हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको बहुत मजा आएगा इस एक्सरसाइज को करने में। अगर बात करें इस एक्सरसाइज की बेसिक की, तो इसमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। पॉइंट नंबर 2, हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। उसके बाद 3rd, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें इजिली प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो 3rd पॉइंट है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उसकी एक फास्ट रिवीजन कर लेंगे क्योंकि हम ये बहुत छोटी क्लासेस से 4th-5th क्लासेस से हम करते आ रहे हैं। 4th पॉइंट है हमारा HCF, 5th पॉइंट है हमारा LCM और जो 6th पॉइंट है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो इस 6 पॉइंट पे हम बात करेंगे। मेरे बच्चों, कुछ स्टूडेंट का ऐसा मानना होता है कि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। बेसिक वीडियो की बजाय वो डायरेक्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं। लेकिन अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो हमें बार बार एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर लिया है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। तो इस वजह से आप बेसिक वीडियो को कभी भी वेस्टेज ऑफ टाइम ना समझें। एक्चुअल में ये जो टाइम की बहुत अच्छी मैनेजमेंट होती है, आपको आपके पास किसी कार्य करने के लिए अगर उससे संबंधित संसाधन अच्छे आपको शुरू में मिल जाएंगे तो वो काम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और अगर आपके पास संसाधन ही नहीं होंगे उस काम को करने के लिए तो आप उस काम को कैसे कर पाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको करने में। तो इस वजह से जो बेसिक वीडियो होता है वो बेहद जरूरी होता है और उसको आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कवर हो जाती है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेसिक, और उसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें कहा गया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, इसके स्टेटमेंट है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार हम एक छोटे से एग्जांपल को इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 60। और हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है, उनके प्रोडक्ट के रूप में इनको एक्सप्रेस करना है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब हम 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। फिर 2 पे करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 60 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। एक दूसरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करता है, 60 उसने पहले इसको 3 से कर दिया, 3 पे किया तो 20 आ गया, फिर 2 पे किया तो 10 आ गया, फिर 2 पे किया तो 5 आ गया, और फिर 5 पे किया तो 1 आ गया। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हुई
3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक और स्टूडेंट जिसने ये जो हमारा कंपोजिट नंबर है 60, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से की 5 से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 5 है, तो यहां से 12 आ गया। फिर उसने 2 पे किया 6 आ गया, फिर 2 पे किया 3 आ गया, फिर 3 पे किया 1। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 60 के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें तो यहां से एक बात क्लियर है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये कंपोजिट नंबर था जिसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख दिया, जिसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मीन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो ये प्राइम नंबर है ना 2, 3, 5। अब आगे बताया गया एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो फैक्टर्स आए हैं, ये यूनिक होंगे, यही होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकते। जो ये हमारा है, हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ये यूनिक है, यही होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई भी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो प्राइम फैक्टर है, ये आगे पीछे तो हो सकते हैं, आगे पीछे तो लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखे वो भी हमारे पास 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखे वो भी 6 होता है। तो अब 6 क्योंकि हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमने लिख दिया, लेकिन हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और जो ये प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये जो होंगे ये यूनिक होंगे, इनकी जगह कोई और नहीं आ सकते, ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 2 की जगह 3 आ गए, 3 की जगह 2 आ गए, लेकिन आएंगे 2 और 3, यहां पे 2 यहां पे है, तो ये रहा 3 है, तो यहां पे 3 है। अब 60 की बात करें तो देखो 2, ये 2, ये 2, 2 2 एंड 2, 3 3 और 3, 5 5 और 5। तो यहां पे यही बात कही गई है कि ये जो प्राइम फैक्टर होंगे ये यूनिक होंगे, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हो गए यूनिक। तो ये हमारे पास ये जो फंडामेंटल थ्योरम थी अर्थमेटिक की, इसकी स्टेटमेंट है, उसको दोबारा से एक बार देखते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड कह लो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो ये हमने कंपोजिट नंबर लिया, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख दिया, यहाँ पे 6 कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन की है इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है, इनके इसमें जो फैक्टर्स आए हैं, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, वो यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, इस बात को छोड़ दें कि जो ऑर्डर है वो प्राइम फैक्टर है, जो ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर वही रहेंगे, फैक्टर नहीं बदलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, उसकी डेफिनेशन के अनुसार हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बात, जो कि आपको बहुत छोटी क्लासेस से, अगली क्लासेस से पता है, जिसके बारे में प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे वैसे तो हमने इसके अंदर बात कर ही ली है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। किस तरह से हम किसी कंपोजिट नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जैसे हमने अभी 60 के लिए किया था, तो वही बात है, इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो आ ही गया है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब हम किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टर प्राइम्स ही होने चाहिए, और उसके लिए आपको प्राइम्स नंबर का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं,
वन एंड इटसेल्फ, एक तो वन और एक वो खुद। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं टू से, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन एंड सो। इनके सभी के टू फैक्टर्स हैं, एक तो वन और एक ये खुद स्वयं इटसेल्फ। इसमें सिर्फ टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे कैसे हैं, ओड है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी आपको कॉम्पोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 50 को हम यहां लिख लेते हैं, तो 2 पे करेंगे हम ये 25 आ जाएगा, 5 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम 50 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाता है 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50 हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अब देखो फंडामेंटल थ्योरम में यूज हो रहा है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए, फास्टली प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ताकि आप आसानी से जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कर सके। तो आइए देखते हैं एक बार रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को फास्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर हम बात करें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय टू, टू से डिविजिबल। कोई भी नंबर है वो टू से डिविजिबल कब होगा, जब उसमें यूनिट प्लेस जीरो टू फोर सिक्स और एट इनमें से कुछ भी होगा। कोई भी नंबर है वो टू से डिविजिबल कब होगा, जब उसमें जो यूनिट प्लेस है, जो लास्ट डिजिट है, वो या तो जीरो हो या टू हो, फोर सिक्स और एट। मीन्स हमारे पास एक नंबर है 7426। अब ये नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो आप ये देखें कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो सिक्स है, तो ये यहां पे सिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम एक नंबर ले ले थोड़ा और बड़ा ले ले, 3,50,205। तो ये एक नंबर हमने लिया है, क्या ये टू से डिविजिबल है, एक्चुअल डिविजन के बिना हमें पता करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो आप इसका सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करें, क्योंकि यूनिट प्लेस इसका 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 30,506 की, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस 6 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो आपको क्या देखना है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो डिजिट है जो वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से 5 में से कोई भी होना चाहिए, तो वो कैसा होगा, डिविजिबल बाय 2। और उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर। अब ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इस केस में 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करते हैं और अगर हमारे पास रिमाइंडर
जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 1 बचा तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। ये अभी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3, तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो डिजिट्स है उनका सम कर देते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास एक नंबर है 350,231। तो ये नंबर हमें पता करना है विदाउट एक्चुअल डिविजन के, कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो हम इनके जो डिजिट सम का सम कर देते हैं, 1 और 3 4 और 2 6 6 और 5 6 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 11 11 और 3 14। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट बना 14 14 14, 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक इसी तरह से अगर हम चेक करें 5463, तो ये हमें चेक करना है, तो इसके जो डिजिट सम का सम करते हैं 3 और 6 9 9 और 4 13 13 और 5 18, तो जो सम बना वो 18 बना, 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अब यहां पे जैसे यूनिट प्लेस की बात हुई थी 2 में, इसको आप लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, लास्ट डिजिट। अब डिविजिबिलिटी में क्या है 4 में, तो यहां पे है लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 35,428। अब आप इसके लास्ट 2 डिजिट देखें, 28 है, 28 4 पे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 7 28 होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड में हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, और यहां पे 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। यहां से आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं एक और 3,52,462, तो 62 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 64 पे डिवाइड हो जाता पूरा, तो 62 नहीं होगा, तो इस वजह से ये नंबर पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 2 में 1 डिजिट लिया, डिविजिबिलिटी बाय 2 को आप एक और सेंस में कह सकते हैं कि जैसे यहां पे लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 है, आप यहां पे कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। जो डिविजिबल बाय 2 होगा वो 0 2 4 6 या 8 तो होगा। आप ध्यान रखेंगे 0 डिविजिबल है सबसे, 0 सबसे डिविजिबल है, आप ध्यान रखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, 0 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ गया, तो 0 है वो सबसे डिविजिबल है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 5। यहां पे क्या है, ये तो बिल्कुल इजी है कि लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। कोई भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो लास्ट डिजिट है या तो 0 हो या फिर 5 हो। फॉर एग्जाम्पल कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले, ये नंबर है हमारे पास
35,92,597। तो क्या ये डिविजिबल बाय 5 है? नहीं, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 7 है। ठीक, इसी तरह से एक और नंबर लें, 37,95,320, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो ये डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6। कोई भी नंबर है अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन दैट नंबर is also divisible by 6। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से divisible है तो वो 6 से भी divisible होगा। For example, हम ये एक नंबर ले लेते हैं। अब देखो क्या ये 2 से divisible है? 2 से divisibility की बात करें तो क्योंकि unit place में 6 है तो yes। क्या ये 3 पे divisible है? चेक करते हैं, 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12, तो 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। एक और नंबर लेते हैं, 5 2 7 9, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चेक भी करने की जरूरत नहीं है, 3 पे तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो ये 6 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी बाय 6 होगा। इसके बाद जनरली हमारे पास जो चलता है वो आ जाता है इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबल, 2 से लास्ट डिजिट, 4 से लास्ट 2 डिजिट और 8 से लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट्स is divisible by 8। अब अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो वो नंबर भी पूरा 8 से डिविजिबल होगा। अब यहां से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 3 2 5 5 2 4 ले लिया, लास्ट 3 डिजिट ये बने 8 से। सोच के देखें, 8 6 जा 48 4 रह गए, 4 लिया तो 44 बन गए, 8 5 जा 44 रह गए तो ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। ठीक, इसी तरह से एक और नंबर ले, 7 2 5 9 3 3 2 8, लास्ट 3 डिजिट ये हुए हमारे पास। अब इनको देखें, 8 4 जा 32 और 8 बन जाए तो यस, ये हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 8। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तो वो है 7 डिविजिबिलिटी बाय 9। तो जैसे 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो वही 9 के लिए कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। जैसे 1 2 1 0 5 2 7 1 0 2, ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, तो इसके लिए आप इनके डिजिट का सम कर दें, 2 और 0 तो 2 ही हुआ, 1 3 10 10 के बाद 12 17 18 20 21, तो डिजिट का जो सम हुआ वो 21 हुआ, तो ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 की, तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 10।
10 से डिविजिबल है। तो जैसे 5 में 0 और 5 है तो 10 में सिर्फ 0। लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 7000। अब देखो ये इसमें बहुत सारे जीरो ले लेते हैं हम और लास्ट में लिख दिया हमने 5। तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, जीरो तो बहुत सारी है लेकिन लास्ट में जीरो नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। और अगर हम ले लें 7593 82570 तो लास्ट में जीरो है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 10 से डिविजिबिलिटी। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं, 11 से जनरली कर लेते हैं हम 9 डिविजिबिलिटी। इनको मेनली हमारे पास हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 की जरूरत होगी, 3 की जरूरत होगी, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है वैसे आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए 4 की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 की जरूरत नहीं होगी, 5 की होगी, 5 के बाद और बाकी का आपको समझ होनी चाहिए लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दो डिविजिबिलिटी को और देखते हैं जो दो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है। बच्चों हम दो और इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी की बात करते हैं जो कि हमारे प्राइम नंबर्स भी हैं 7 और 11 की, इनकी आमतौर पे कम बात होती है। सपोज करो हम एक नंबर ले लेते हैं और ये हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक तो आपको लॉन्ग डिवीजन करके पता चलेगा कि डिविजिबल है या नहीं है। एक तरीका आपका ये है कि इसके लास्ट 3 डिजिट ले लें, लास्ट इसके 3 डिजिट ले लें और जो बाकी के डिजिट बचे हैं ये वाले जो बचे हैं, अब इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दें। अब देखो एक तो ये है हमारे पास और एक ही है, तो ये जो नंबर है हमारे पास 2579 443 से बड़ा है तो क्या करना है, सबसे पहले हम लास्ट 3 डिजिट लेंगे और बाकी के जो बचे हैं उनको देखेंगे। अब इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कर देते हैं यहीं पे लिख देते हैं 5, 4 और 3। जब इसमें से माइनस करेंगे हम 9 में से 3 6, 7 में से 4 3, 5 में से 5 0 और ये 2, ये रह गया। अब फिर लास्ट 3 लिए और इसमें से ये माइनस कर दिए, इसमें से हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया क्योंकि ये जो बचा आपकी बात तो ये छोटा है, तो इसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये 34 रह जाएगा। तो अगर ये 34 रह जाएगा तो अब आप देख ले 34 डिविजिबल है या नहीं है, आप ये देख लें कि 34 डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि 34 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी हमारे पास 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। अगर एक और एग्जांपल लें हम और उसको चेक करना चाहें तो मानो सपोज करो हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और उसको चेक करना चाहें कि वो डिविजिबल है या नहीं है। मीन्स हम लेते हैं यहां पर 257954 और यहां पे 2 ले लेते हैं। अब ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है इसको चेक करते हैं, यहां पे लिखते हैं 2579542। तो ये 3 डिजिट इससे लेस है तो इसके नीचे लिख देते हैं 542। यहां पे ये आ गया 7, 7 में से 4 3 और ये 0 और ये 2। अब लास्ट के 3 डिजिट लिए, ये जो 2 है ये लेस है तो ये 2 इसके नीचे लिख दिया तो 035। अब ये 035 तो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, चेक करें 7 पे 7 3 जब 21, यहां पे हमारे पास 4, 7 6 जब 42, 5, 7 8 जब 56, 3
सेवन फाइव जब 35 जीरो आ गया, फोर लिया जीरो और टू लिया सिक्स पे 42, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो क्योंकि सेवन प्राइम नंबर भी हमें इसके में जरूरत पड़ेगी तो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट के थ्री डिजिट बाकी के जो बचे हैं उन दोनों में से जो बड़ा है छोटे वाला माइनस करो, फिर भी अगर तीन से ज्यादा बच जाते हैं फिर यही अप्लाई करो, फिर बच जाते हैं तो फिर यही अप्लाई करके कितना भी बड़ा नंबर हो आप इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय सेवन चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी बाय 11, मान लो हमारे पास एक नंबर है 2, 5, 3, 1, 4, 8, 3 और 2, ये नंबर ले लिया हमने, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओड प्लेसेस पे नंबर है फर्स्ट नंबर पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवंथ पे, इनका सम करो, 2 और 8, 10, 2 और 8, 10 और 1, 11 और 5, 16। अब जो इवन पे है 3 के बाद है 4, 7 हो जाएगा, 3, 4 के बाद है 3 के बाद है 2, जो इवन प्लेसेस पे नंबर है यानी कि सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स पे, एट पे, 3 और 4, 7, 7 और 3, 10, 10 और 2, 12, तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब इनमें से जो बड़ा है उसमें छोटे वाला माइनस कर दो, 16 में से 12 माइनस करा 4 आ गया, तो अगर ये आ जाता है डिविजिबल बाय 11, यानी कि ये कह लो कि यहां तो 0 आ जाए क्योंकि 0 सभी नंबर से डिविजिबल है, ये आप ध्यान रखोगे, तो यहां पे 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो अगर ये डिविजिबल बाय 11 होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 11 होगा। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि 0 सभी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि उसके डिवाइड में मतलब 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉर्म इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, यानी कि 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर से डिविजिबल है, इस तरह से हम कहते हैं 0 सभी नंबर से डिविजिबल है 0 को छोड़ के, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है, आप कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो अगर हम इसको मॉडिफाई करें किसी और एग्जांपल में और उसको चेक करना चाहें, तो यहां से हमारे नीचे वाले का जो सम आया था इनका 16 आया था, तो यहां पे अगर मैं 1 कर दूं और यहां पे भी मैं 1 कर दूं, 1 और 1, 2, 2 और 3, 5, इसको मैं हटा दूं, अब आप देखिए यहां पे अब की बार मैंने नंबर चेंज किया तो जो ओड प्लेसेस पे है उनका तो सम यही रहा 16, जो इवन प्लेसेस पे है 1 और 1, 2, 2 और 3, 5 हुआ, तो 16 माइनस 5, 11, यानी कि यस ये 11 से डिविजिबल है, चेक करके देख लो आप, 5, 3, 1, 1, 8, 1, 2, 11 से करेंगे, 4 जा 44, 9, 8 पे 88, 3, 1, 2 पे 22, 9, 8 आ जाएगा, 8 पे 88, 10 आ जाएगा, यहां पे भी लेते हैं 10, 8 हो चुका है, 1 पे 99, 2 रह गया, फिर 2 लिया, 2 पे 22, तो ये डिविजिबल हो गया। तो यहां से 7 और 11 की डिविजिबिलिटी भी आपको ध्यान रखनी है। 7 में क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट और जो बाकी के डिजिट बचे हैं उनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस कर देना है, चेक करना है 7 पर डिविजिबल है या नहीं, अगर वो ज्यादा बड़ी टर्म बचती है तो एक और बार करेंगे, फिर भी ज्यादा बड़ी टर्म बचती है तो एक और बार करेंगे। 11 के लिए जब हम बात करेंगे तो ओड प्लेसेस पे जो नंबर है वो और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम करेंगे, उनका फिर आपस में ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम, उन दोनों को माइनस करेंगे, या तो वो 0 आए या 11, 22, 33, 44 अगर आता है यानी कि डिविजिबल बाय 11 आता है तो वो डिविजिबल बाय 11 ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये होगी हमारे पास रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। प्यारे बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत छोटी क्लासेस से फोर्थ फिफ्थ क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं। एक है हमारे पास एचसीएफ और एक है एलसीएम।
HF means highest common factor. HF का जो मीनिंग है वो है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम है हमारे पास वो है लीस्ट या फिर लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हम जीसीडी भी कह देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां से काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे बात करें अगर हमें कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 30, ये हमारे पास हमने एक प्रॉब्लम ली है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 30। यहां पे क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे, तो हम क्या करते हैं 24 की और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है तो 2 पे चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है ये, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह से अगर 30 के लिए करें, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है, 2 पे करेंगे तो 15 आ जाएगा, अब 2 से डिवाइड नहीं होएगा, अब 3 पे हो जाएगा क्योंकि 5 और 1 6 है, तो 3 पे करेंगे हम तो 5 आ जाएगा, और 5 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। अब हम HCF निकालते हैं, पहले तो HCF, HCF ऑफ 24 एंड 30, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली HCF 24 30, मींस HCF ऑफ 24 एंड 30। अब देखो इसमें दोनों में जो कॉमन है, 2 दोनों में है, इस तरह से सर्कल कर लेंगे, 2 ले लिया, ये 2 इसमें कहीं नहीं है, ये 2 इसमें कहीं नहीं है, 3 दोनों जगह है, तो 3 से मल्टीप्लाई, इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। इसके बाद इसी तरह से इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 24 एंड 13, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम 24 एंड 13। तो हम क्या करेंगे, ये तो लिखी दो 2 × 3, तो जिसको सर्कल लगा दिया वो तो हो गए हमारे, बाकी के जो बच गए उनको लिख दो 2 × 2 × 5, ये 2 ये 2 और ये 5 हो जाती है, तो यहां पे ये आ गया। जब भी आपको 2 और 5 नजर आए तो पहले 2 की 5 के साथ कर लें, 2 की 5 के साथ 10, 10 की 2 के साथ 20, 20 की 2 के साथ, 20 की हम 2 के साथ करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 की 3 के साथ करेंगे हम 120 आ जाएगा, या फिर आप सीधा ही कर लें 2 × 6 6 × 12 12 से 24 25 24 × 5 120 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर विद दैट टू नंबर। तो यहां पर रिलेशन क्या है कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगी। तो ये रिलेशनशिप है टू नंबर और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। अब इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट एक तो ये है कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो,
देखो आप HCF और LCM की मल्टीप्लाई करो, HCF आया आपका 6 और LCM आया 120, तो 120 की जब आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई की 720 आ गया। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें, एक तो है 30 और एक है 24, तो 24 की अगर 30 की हम करते हैं तो 0, 12 और यहाँ पे 0, 6, 0, 2 और 7। अब देखो ये दोनों सेम आए, इसका मतलब जो हमने HCF और LCM निकाले हैं वो हमारे क्या है, राइट है। तो इस तरह से आप रिलेशन को भी वेरीफाई कर सकते हो और अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। एक इस फॉर्मूले का एक और बड़ा फायदा है कि जैसे आपके पास एक तो देखो HCF है, एक है LCM, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम ऐसे ले लेते हैं, वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। अब आपके पास अगर टू नंबर्स गिवन है और LCM गिवन है तो HCF आप इस तरह से निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर डिवाइड बाय LCM। और अगर आपको LCM निकालना है तब जब फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकेंड नंबर गिवन है और उनका HCF गिवन है तो भी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, LCM निकालना तो HCF डिवाइड में चले जाएगा। और अगर आपके पास HCF, LCM और एक नंबर गिवन है तो सेकेंड नंबर आप कैसे निकाल दोगे, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। यानी कि ये जो फॉर्मूला है एक तो रिलेशनशिप के रूप में यूज हो रहा है और दूसरा अगर आपके पास कोई भी तीन वैल्यू है तो उससे जो चौथी वैल्यू बचेगी, देखो फोर टर्म है ना, 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ टर्म आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेसिक कंप्लीट हो जाता है। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, बेसिक की हमेशा से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि इससे आपके एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन है जो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।